तो आज की जो वीडियो हम बनाएंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी की सर्विस जो है, सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन और री वेरिफिकेशन जो सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उसको हम कैसे अवेल कर सकते हैं। तो उसमें दो पार्ट्स में ये जो है वीडियो हम बनाएंगे। एक में हम देखेंगे कि जो सिंगल विंडो की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के प्लेटफॉर्म के लिए जो है, जैसे पैन कार्ड होना, जीएसटी नंबर होना, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है वो कैसे हम अपलोड करेंगे, क्या कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अपलोड करेंगे और रजिस्टर कैसे करेंगे सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो हम डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट स्पेशली लीगल मेट्रोलॉजी की जो सर्विस है वो कैसे हम अवेल कर सकते हैं। तो इस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पे हम जो ही लैंडिंग पेज है इसका, जो सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का जो लैंडिंग पेज है, तो जो ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये जो एड्रेस है सिंगल https स्लैश सिंगल विंडो डॉट जेके डॉट जीओवी, वहां पे हम लॉग इन करने के लिए हमें पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। तो जो ही हम रजिस्टर करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बाद हम अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड लेके हम वहां पे जो है अपनी डिटेल्स डाल के एक डिपार्टमेंट की सर्विस अवेल करते हैं। तो सबसे पहले जो रजिस्टर वाला बटन है सिंगल विंडो डॉट जेके डॉट जीओवी डॉट इन पे, वो उस पर क्लिक करेंगे। वहां पे हमें प्रिलिमिनरी डिटेल्स जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो सारी डिटेल्स भर के और अपना मोबाइल नंबर भर के, तो डिटेल्स जो ही हम भरते हैं अपने जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो भर के, हम क्या करते हैं अपने आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड सेट करेंगे। वो तब हम सेट करेंगे जब आपका जो है वो ये जो है ईमेल ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा। कैसे, इसमें आप यहाँ पे क्लिक हियर टू जनरेट ओटीपी करते हैं। तो जो ही वो ओटीपी जनरेट होता है तो आप वो फिल करके यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड रख सकते हैं। जो आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड रखा तो आपने फिर से सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पे जाके यहाँ पे हमें जो लॉग इन वाला बटन है यहाँ पे क्लिक करके लॉग इन करके हम अपनी डिटेल्स देते हैं। तो जो ही डिटेल्स देंगे, तो डिटेल्स भरने के बाद तो जो आपने अभी यूजर आईडी और पासवर्ड रखा उसमें वो डिटेल्स लेके आप यहाँ पे लॉग इन वाला बटन प्रेस करेंगे तो लॉग इन हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन इन करेंगे आप, तो साइन इन हो गया है। तो आपको पहले जो लैंडिंग पेज है सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के जो यूजर आईडी और पासवर्ड लेके, आपको ये वाला डैशबोर्ड मिलता है। आपने कितनी सर्विस के लिए अप्लाई किया है, रिजेक्ट कितनी हुई है, उसमें आपको एक्शन लेना है कि डिपार्टमेंट के पास कितनी पेंडिंग है। तो वो चीजें तब जो रिफ्लेक्ट होंगी जब आप किसी डिपार्टमेंट की सर्विस अवेल करते हैं। तो लीगल मेट्रोलॉजी की सर्विस अवेल करने के लिए हमें जैसे किसी भी डिपार्टमेंट की अवेल करनी है, हमने कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमने पहले ही बोला, एक तो हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे वो आप अपने जो आपका ये इस्टेब्लिशमेंट है उसके हिसाब से बनाना है। और जो विद इन द प्रीव्यू ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी आएगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन पैक एंड इम्पोर्ट, जो भी सर्विस आप अवेल करते हो, अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन करते हो तो आप उसी हिसाब से प्रोजेक्ट बनाओगे। और ये जो सर्विसेज हमने स्टेप नंबर वन पे ध्यान में रखना है कि ये सर्विसेज जो है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है या इस्टेब्लिशमेंट्स है उनके अगेनेस्ट मिलती है। तो आप यहाँ पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वाला टैब सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूनिट का अपना नाम लिखना है, जो भी आपके यूनिट का नाम है। ये सारी डिटेल्स करके आपका जो है, जैसे एंटरप्रेनर है कोई वो डालेंगे, जीएसटी नंबर है, आप यहाँ पे क्या ये शॉपिंग मॉल अगर हम लिखेंगे यहाँ पे शॉपिंग मॉल लिखेंगे, किरियाना लिखेंगे, जो भी आपका किरियाना है या हॉकर है आप, जो भी आपका है। उसके बाद आपकी ये जो है जो स्टेटस है, किस कैटेगरी में आपका इस्टेब्लिशमेंट आता है, तो वो जीएसटी नंबर लेके सारी डिटेल्स भरने के बाद आप यहाँ पे जैसे ये प्रोफाइल फोटो एक है, फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो जो ही आप अपनी फोटो अपलोड करोगे, इसके डायमेंशन 300 बाय 300 होनी चाहिए। उसके बाद अपनी लैंड स्टेटस है, अगर आपका मतलब शॉप है, शॉपिंग मॉल है, डिस्पेंसिंग यूनिट है, पेट्रोल पंप है, जो भी आपका यूनिट है उसमें लैंड है, तो वो आप डिटेल लिखेंगे उसी हिसाब से। अगर यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। तो
तो जो ही आपने नॉट एप्लीकेबल लिखा तो उसके बाद आप सेव करेंगे, आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट यूनिट 3 रखा था वो ऑलरेडी अवेलेबल, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डाल के ये हो जाता है। तो ये सारे प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किए हैं। उसके बाद जो आप करोगे उसके बाद ये वाला स्टेप आपने प्रोजेक्ट करने के बाद आप जाओगे माई डॉक्यूमेंट मैनेजर में, जो भी आपकी लीगल मेट्रोलॉजी के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी लास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, मॉडल अप्रूवल है, या जो आपका जो फी फी है, वो सारी जो भी आपको, अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ री वेरिफिकेशन में आ जाओ, आपकी लास्ट वीसी होनी चाहिए, वो सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आपको यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट मैनेजर में ऐड करते जाना है। ऐड न्यू तो वो डाउनलोड करना है, सॉरी अपलोड करना है। इसमें अपलोड करने के बाद आप जाओगे माई सर्विस लिस्ट में, तो माई सर्विस लिस्ट में आप हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो आपका जो है आपको सर्विस लेने के लिए एक स्टेप नंबर 2 जो है, पहले स्टेप नंबर 1 में हमने रजिस्टर किया, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अब उस प्रोजेक्ट को एक आईडी मिलेगी सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के एंड पे, जिसको हम कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म या सीएफ आईडी बोलते हैं। तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर एक डिपार्टमेंट की सर्विस लेने के लिए एक कैफ आईडी जनरेट होती है, उसके बाद ही आप किसी भी डिपार्टमेंट की सर्विस को अवेल कर पाएंगे। तो ये जो केफ आईडी है ये कहाँ पे जनरेट होगी, हमें जाना है फिर से कहाँ पे, माय प्रोजेक्ट में। माय प्रोजेक्ट में जो है आप अपना एक्शन देखेंगे, एक्शन टैब में आपको दिखेगा यहाँ पे ये वाला जो है एड CAF, CAF मीन्स कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये डिटेल्स में आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा, अपने आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। तो जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होंगे वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद आप ये डिटेल्स करते करते आप सेव करोगे, या आप अगर आपके पास नहीं है तो आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपका ये एस्टेब्लिशमेंट है, वो सारा डाल के आप जो ही आप वो डिटेल्स डालेंगे, आप यूनिट कहाँ पे है आपका वो डिटेल भरनी है। तो ये सारे जो आपके इस्टेब्लिशमेंट में डिटेल्स हैं ये सारी भरनी है। उसके बाद आपका जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसका कॉस्ट कितना है, वो आप सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके आपको जो है सेव करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट स्किल इस्टेब्लिशमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, तो अनस्किल्ड है स्किल्ड है, वो डालना पड़ेगा। उसके बाद लाइन ऑफ एक्टिविटी में आप जाएंगे, लाइन ऑफ एक्टिविटी में लिखेंगे जैसे किरियाना सेलर है आप, तो वहाँ पे उसके बाद आप क्या करते हो, आप तो ये जहाँ पे हम लाइन ऑफ एक्टिविटी डाल के हम अपना जो है प्रोजेक्ट का देखेंगे, जैसे हम ट्रेडिंग में डालेंगे या ट्रेडिंग में देखेंगे हमारे पास होल सेल है, रिटेल सेलर है, होलसेल, तो ये वाला डाल के हम रिटेल लिखेंगे, रिटेल सेलर है। उसके बाद हम लिखेंगे जो यहाँ पे आप देख लीजिए मिनिमम जो भी है, या तो आप अदर रिटेल सेल में डाल दीजिए। तो जो ही आप रिटेल सेल में डालते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे अदर सेल्स ऑफ न्यू गुड्स इन स्पेशलाइज्ड स्टोन्स, ये आपका जो भी रिलेवेंट होता है वो आप यहाँ पे डाल के तो उसमें आप कर सकते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे एड NIC, तो ये आपका जो है NIC 2 में NIC 4, ये सारी डिटेल्स आपने भर दी है। उसके बाद आप रॉ मटेरियल लिखेंगे, हम आपके पास वैसे रिलेवेंट है नहीं, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे मिनिमम किरियाना लिख सकते हैं या NA करके लिख सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हो, वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपका जो है इस्टेब्लिशमेंट की जो ये प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीट होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने माई सर्विस में सेलेक्ट करना है, ये जो प्रोजेक्ट है वो आप सर्विस प्रोजेक्ट जैसे यूनिट 4 हमने क्रिएट किया है वो सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें बाद आप ऐड न्यू सर्विस, यहाँ से आपकी जो डिपार्टमेंट की सर्विस अवेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उधर आप सर्च करेंगे लीगल मेट्रोलॉजी की सर्विस अवेल करने के लिए, आप यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन या री वेरिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एड टू माई सर्विस लिस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे एड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे एक्शन बटन में जाके अप्लाई पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे जो है हमने पार्ट वन में देखा, हमने कैसे एक CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट किया पैन नंबर और आधार कार्ड लेके। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट में जो सर्विस ले ली है डिपार्टमेंट की, सर्टिफिकेट ऑफ रिवेरिफिकेशन ये वाली सर्विस लेने के लिए, तो हमने वहाँ पे माय सर्विस में जाके अब ऐड की थी सर्विस, ऐड न्यू सर्विस। तो हमने लीगल मेट्रोलॉजी सिलेक्ट किया था, तो उसके बाद लीगल मेट्रोलॉजी की सर्विस को सिलेक्ट किया था हमने यहाँ पे, ये सर्विस तो हम ऐड कर लिया था। तो ये हो जाती है। तो अब यहाँ पे एक्शन बटन में हमें दिख रहा है कि आप अप्लाई करो। हम जब जो ही सर्टिफिकेट ऑफ रीवेरिफिकेशन में अप्लाई करेंगे, हमें कुछ मिनिमम इंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट के SOPs हैं उस हिसाब से उनको फॉलो करके, और जो भी इंस्ट्रक्शन है इनको एक बार पढ़ के ध्यान से, उसके बाद हम यहाँ पे एग्री बटन करते हैं जो है, एक डिक्लेयर करते हैं कि हमने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, जो भी एज पर एक्ट हमें फॉलो करना होगा, ओबे करना होगा, अबाइड करना होगा, वो हम करेंगे। उसके बाद ही हम कंटिन्यू का बटन प्रेस करते हैं। जो ही हम कंटिन्यू का बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद ये जो सारा आपने प्रीवियस जो है सिंगल विंडो के में जो डिटेल्स दिए, आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, प्रोजेक्ट की डिटेल्स दे दी, एस्टैब्लिशमेंट की डिटेल्स दे दी, वो विद इन दैट डोमेन सिंगल विंडो के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन यहाँ पे जो आपको डिटेल्स देनी है जो लीगल मेट्रोलॉजी को पर्टेन करती है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालेंगे। तो जो आपकी डिटेल्स होंगी, जो आपका मतलब इस्टेब्लिशमेंट होगा, जो भी आपको प्रोवाइड किया गया था प्रीवियस ऑफलाइन मोड में सर्टिफिकेट, आप उसी हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। आपका पैन कार्ड होगा वो आप डालेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे आपका प्रोप्रिएटरशिप है, पार्टनरशिप है, जो ही आप वो डालेंगे। तो आप उसके बाद अपना नाम डालते हैं, नाम डालने के बाद आप जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद आप ओनर है, पार्टनरशिप है, जो जो आपको पर्टेन करता है, ईमेल आईडी डालेंगे, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद आप ट्रेड करेंगे सिलेक्ट, ये जहाँ पे जिस जिस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, जैसे आपका ऑयल मिल है, शॉपिंग मिल है, ज्वेलर्स है, जो भी आपका रेलिवेंट ट्रेड है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जो ही आपने वो सिलेक्ट किया, उसके बाद आप जाएंगे, आप जो बिजनेस एड्रेस है या वो है वो किस लोकेशन पे है, कहाँ पे है, ये अर्बन है, रूरल है, क्या है। तो अगर अर्बन है तो अर्बन के हिसाब से देना है, रूरल है, रूरल के हिसाब से देना है। तो हम सारी डिटेल्स लेके यहाँ पे ये जो फॉर्म है फिल करेंगे। तो से फॉर एग्जाम्पल वी सिलेक्ट श्रीनगर, उसमें हम तहसील सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है जो ही ये डिटेल्स आती हैं, फिल करने के बाद आप मोबाइल नंबर अपना प्रोवाइड करेंगे। वो प्रोवाइड करने के बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो स्ट्रिक्स करके जो मार्क्स हैं, वो आपको सारी डिटेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम नेम ऑफ द एंटरप्राइज, वहां से लेके जो भी लास्ट तक आपको यहाँ पे है वो डिटेल्स भरनी है। उसके बाद जो पर्टेन करता है, जो लीगल मेट्रोलॉजी का पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, जो आपको इंस्ट्रूमेंट हो, जो आपका ये जो है वेट एंड मेजर है, जिसकी आपकी वेरिफिकेशन की सर्टिफिकेट लेनी है डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट लीगल मेट्रोलॉजी से, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। आप देखो जैसे वेट है, तो आप वेट सिलेक्ट, किस कैटेगरी का वेट है, ब्रॉस है, कैरेट है, कौन सा आयरन है, तो आप यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल आयरन और स्टील का वेट सिलेक्ट। उसके बाद डिनोमिनेशन आप देख लीजिए, हमारे पास 10 kg का एक है। जितने भी आपके पास वेट एंड मेजर्स हैं तो उनको अलग अलग से सिलेक्ट करके आपकी जो फीस है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करता है। तो जे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक है, तो उसकी वेरिफिकेशन जो लास्ट वेरी आपने कब VC को अपलोड करो या ये सॉरी या रिसीव किया था डिपार्टमेंट, उसकी डेट क्या है, जो आपके पास लास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है जो मैंडेटरी है फॉर गेटिंग द न्यू वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो उसमें से फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे हमारे पास ये वाली है जिसकी डेट ये है, तो ये हमने लास्ट वेरिफिकेशन की डाल दी। उसके बाद हमने लिखा ये वेट एंड मेजर का, हमारे पास एक वेट है जो आयरन का है, कॉस्ट आयरन है, उसके डिनोमिनेशन ये है, तो हमने ये ऐड कर दी। अब फॉर एग्जांपल आपको 10 kg के साथ एक 5 kg का भी, वो भी आप यहीं पे वेट कर सिलेक्ट करेंगे टाइप में। उसके बाद वहां पे फिर से आयरन स्टील डालेंगे, उसके बाद फिर से आप 5 kg का सेट सिलेक्ट करेंगे, उसका भी यही, और उसकी वेरिफिकेशन डेट भी आप यही डालेंगे 1/10/2021। तो जो ही आपने उसके बाद ये सिलेक्ट डिटेल्स भर के फिर से आपको एड्रो करना है, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे हो जाएंगे। अगर आपके पास उसके बगैर भी
आपका एक कोई वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम वेइंग, जैसे हमारे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है कोई, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको वन बाय वन एज पर कैटेगरी एंड एज पर जो यहाँ पे सिस्टम है उस हिसाब से भरने हैं। अगर हम देखेंगे वोल्ट मीटर में डिस्पेंसिंग यूनिट्स भी, टोटलाइजर हमारे पेट्रोल पंप्स के लिए, वो भी हमारे पास लिखेंगे एक नंबर का है, तो उसके बाद मॉडल देना है हमें, मॉडल नंबर हम लिखेंगे, वो भी मॉडल लिखेंगे, उसके बाद सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद क्वांटिटी लिखेंगे, और उसकी भी हम वेरिफिकेशन डेट जो है वो हम लिख सकते हैं। तो जो ही हमने वो लिखा तो हम ऐड करेंगे, उसके बाद ऐड होने के बाद आपका जो मेन पार्ट रहता है यहाँ पे, जो आपने इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किया, पहले आपने क्या किया, पहले हम डिटेल्स भरते हैं अपनी स्टेटमेंट, उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कंप्लीटली, हर एक टाइप में जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, आप अपना जो है फिर यहाँ पे कुछ और डिटेल्स है आपका इंस्ट्रूमेंट, जैसे पेट्रोल पंप है वो इमूवेबल में आता है, और आपका जो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स आते हैं मूवेबल है, जो किराना सेलर्स या शॉपिंग मॉल में होती है कुछ वो मूवेबल होती है, तो आप लिखिए मूवेबल। उसके बाद आप कहाँ पे अपनी प्रीमिसेस में, ऑफिस की प्रीमिसेस में वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या बाहर, तो आप उस हिसाब से इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो है आप अपने जो ये जो इसका नाम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल का क्या है आपके पास, जिसका आप से फॉर एग्जांपल हमने लिखा था हमारे पास कास्ट आयरन वेट है, कास्ट आयरन वेट सेट 5 kg, वो वाला डाल दिया है, 10 kg हमने लिखा है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपकी जो फीस है वो 770 कैलकुलेट हो गई है 10 kg सेट विद दिस डिस्पेंसिंग यूनिट, वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे, उसके बाद आपका वर्किंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हम श्रीनगर लिख रहे हैं श्रीनगर, उसके बाद आपको जो है जो लास्ट वीसी के हिसाब से आपका जो इंस्पेक्टर है वो सिलेक्ट होगा, इंस्पेक्टर आप सिलेक्ट करोगे आपको स्टैम्प्ड होगा, आपको लिखा आया होगा जो लास्ट वीसी उस पर लिखा वो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जो ही आप वो सिलेक्ट करेंगे उसके बाद उस वीसी पे जो डिटेल जो आपने दी है वो आप यहाँ से डाल के यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आप जो आपने डॉक्यूमेंट मैनेजर में अपलोड किए डॉक्यूमेंट वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ये आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो हमने सारी डिटेल्स भर के, एक तो मेन हमारा वेरिफिकेशन ऑफिसर सिलेक्ट करना है, वो किस वर्किंग प्रमेसेस में जाना है, आप ऑफिस में या इमूवेबल में, आपको जो है उधर ही जो आपका ये है ट्रेडर प्रमेसेस वहां पे आप सिलेक्ट करेंगे ट्रेडर प्रमेसेस, तो ये आपका सारा जो है मिनिमम आपको डिटेल्स देनी है टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ रिवेरिफिकेशन फ्रॉम लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। तो उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको रखनी है सर्टिफिकेट ऑफ रिवेरिफिकेशन में, आप सारी सिलेक्ट करके रेलिवेंट जो है मॉडल अप्रूवल होना चाहिए, परचेजर बिल होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, और ये सारी चीजें, और जो आपका लास्ट वीसी है वो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे ये सारी चीजें आप अपलोड करके आप सर्टिफाई करेंगे, मैंने एक्ट पढ़ा है, जो रूल्स हैं वो सारे मैं अबाइड करूंगा, और जो भी इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर्स होंगे डिपार्टमेंट के वो हम फॉलो करेंगे। तो उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है सबमिट का बटन आएगा, हम क्लिक करेंगे सबमिट पे, तो ये सारी डिटेल्स आपको एक बार देख के ये जो फॉर्म आपका है ये सेव हो जाता है। अगर आप एक बार इंश्योर करना चाहते हैं तो आप इसको बाद में प्रिंट आउट निकाल के एक बार देख सकते हैं कि हमारा जो है रेलेवेंट जो भी फॉर्म की डिटेल्स है क्या वो सही है या नहीं है, तो उनको देख के जब आपका ये जैसे मैंडेटरी है, आपका इंस्ट्रूमेंट सही सिलेक्ट हुआ है, आपका वेरिफिकेशन ऑफिसर जो है वो सही सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे, ये सारे देख के आपका जो फीस है वो सिस्टम खुद ही कैलकुलेट करता है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू का बटन प्रेस करते हैं, तो आपने जो है अपना फॉर्म जो है उसके हिसाब से आपकी फीस कैलकुलेट हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे आप पेमेंट ऑप्शन लेके कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, तो इससे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है टू द वेरिफिकेशन ऑफिसर जो रेलिवेंट होगा, उसके बाद वो आपको नोटिफाई करते हैं कि आपकी डेट क्या होगी, आप किस दिन अपने जो है जो वेट एंड मेजर है या इंस्ट्रूमेंट्स है किस दिन आपको उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी फिजिकल वे, ये जो है कैलिब्रेशन या जो भी आपका है, उसके बाद आपको वीसी इशू की जाती है ऑन बिहाफ ऑफ द
डिपार्टमेंट जो अपलोड की जाती है उसमें आपको कहीं पे भी डिपार्टमेंट आने की जरूरत है नहीं, वो सारा आपको ऑनलाइन मिलता है।